Since 2 days you are hearing the word. दो दिन से हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं. And I believe you are listening and you are learning. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं और आप सीख रहे हैं. As I told, these 4 days are very important days for you. जैसे मैंने कहा कि ये जो 4 दिन हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. So be serious in the presence of God. तो परमेश्वर की उपस्थिति में गंभीर रहे. And learn everything what we are teaching. और सब ऐसे बातों को सीखे जो हम सिखाना चाहते हैं. Surely the fourth day, और खास करके चौथा दिन, you will see the great changes in your life. आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव को देखेंगे. Not only changes in your life, सिर्फ ही बदलाव नहीं, you will see the mighty glory in your life. और अद्भुत महिमा भी देखोगे परमेश्वर. Surely you will grow to glory, और आप महिमा में महिमा बढ़ते जाओगे. So today also we learn something about Jesus. आज भी हम कुछ यीशु के बारे में सीखेंगे. I want to ask one question. मुझे एक सवाल पूछना है आपसे. In this world, इस दुनिया में, which is the more needy things, क्या सबसे जरूरी चीजें हैं? Which is the with the world is today in the need of something, which is that? और दुनिया को किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा? What you think after hearing this 1.5 day? आप क्या सोचते हो इस डेढ़ दिन के टीचिंग में? आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्या चाहिए लोगों को? Which is the important in this world? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है इस दुनिया में? परमेश्वर का वचन. नेक्स्ट. और दूसरा आशीष और उद्धार. सर्वेश्वर या Salvation, very good. Salvation. The salvation is the very important need of the on this earth. और उद्धार जो है वो सबसे जरूरी बातें हैं इस. Can you clap for that, brother? उद्धार के लिए ताली बजाएंगे. If we receive the salvation, जब हम उद्धार को पाएंगे, we will receive every blessings. तो सारे आशीष अपने आप आ जाएगी. The Matthew 6:33 says. और मत्ती 6:33 कहता है. Seek first kingdom of God. परमेश्वर के धर्म की राज की खोज करो. And all things are added unto you. तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेगी. When you receive Jesus in your life, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हो, you no need to go after anything else. तो किसी और के पीछे भागने की जरूरत नहीं. There's a full package will come to you. तो सारा पैकेज उसके साथ आ जाएगा. So this salvation will come from. और ये जो उद्धार कहाँ से आएगा? Only through Jesus. सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा. If you read the Acts of Apostles, और प्रेरितों के काम अगर आप पढ़ोगे तो, Chapter 4, चौथा अध्याय, Verse 12, 12 वचन. Can you read this word? क्या आप पढ़ सकते हो? प्रेरितों के काम 4:12. Book of Acts. प्रेरितों के काम. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं. Yes. क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य है और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें. Salvation is found in no one else. किसी और में उद्धार नहीं. For there is no other name under heaven, और स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं, given to mankind, और इंसान को जो दिया गया, by which, जिससे, we must saved, जिससे हम उद्धार पा सके, through which name we will save, कौन किस नाम से हम उद्धार पाएंगे? You have to tell answer me everyone. आपको उत्तर देना चाहिए. उत्तर दीजिए. Through which name we will save? किस नाम से हम बचाए जाएंगे? Only through Jesus Christ, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से, we will go to heaven. हम स्वर्ग जाएंगे. There is no other name. उस दूसरा कोई नाम नहीं. Otherwise there no one died for us. नहीं तो कोई भी हमारे लिए मारे नहीं गए. To take heaven. कि स्वर्ग में लेकर जाए. Because as a human, एक इंसान होने के नाते, everyone will sin. सभी लोग पाप करते हैं. With sin, कौन सा पाप? We cannot enter heaven. और जिससे हम स्वर्ग नहीं जा सकते. Is there anyone without sin here? कोई ऐसा है यहाँ पर जिसने पाप ना किया हो? Because you have to know you are a sin, you are sinner or not. आपको पता होना चाहिए कि आप पापी हो भी या नहीं भी.
Because I know here 100% people are not believing only Jesus. क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जो लोग हैं जो 100% लोग यीशु मसीह के मानने वाले नहीं हैं. The many are came to here to see Jesus. यहाँ पर बहुत से लोग यीशु को देखने आए हैं. To receive healing. और चंगाई प्राप्त करने आए हैं. To receive blessings. और आशीष प्राप्त करने आए हैं. Am I right? क्या मैं सही हूँ? So if I ask now. अगर मैं अभी पूछूं तो यू विल रेज योर हैंड्स एवरीवन यस वी बिलीव ओनली जीसस. और अगर मैं पूछूं कि कौन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सभी हाथ उठाएंगे. हाउ मेनी आर बिलीविंग ओनली जीसस. कितने लोग सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. सो श्योर यू आर नॉट गोइंग एनी नॉट प्रेइंग विद एनी अदर गॉड्स. तो ये बात मैं पक्का समझू कि आप कोई और देवी देवताओं को प्रार्थना नहीं करते. हाउ मेनी आर. कितने लोग ऐसे हैं. एवरीवन इज गोइंग ओनली टू जीसस. सभी लोग सिर्फ यीशु मसीह के पास जाते हैं. वेरी गुड वेरी हैप्पी. अच्छी बात है. व्हाई वी केम फ्रॉम मैंगलोर टू हियर. हम मैंगलोर से यहाँ क्यों आए. ओनली टू टेल अबाउट दैट जीसस. वही यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए. Who is died for us? जो हमारे लिए मारे गए. We can go many other churches. हम बहुत अलग चर्च में भी जा सकते हैं. But we are giving more importance to this church. और हम ज्यादातर इस चर्च को महत्व देते हैं. Because your people are coming from all other religion. क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो अदर दूसरे जाति से आते हैं. When my husband came to know about Lord Jesus Christ. जब मेरे पति को पता चला यीशु मसीह के बारे में. He understood. वो समझ में आया उन्हें. Where I was before. मैं कहाँ था पहले. When he was searching for salvation. कहाँ वो उद्धार को ढूंढ रहे थे. Because he don't at peace inside in his heart. क्योंकि उनके हृदय में वो शांति नहीं थी. In his house from the morning till evening he was praying to Jesus. और सुबह से शाम तक वो यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे थे. In his house they are calling him pujari. और उनके घर में उन्हें पुजारी कहा जाता. Because he loved God. क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्यार करते. And when he come to know what he was praying that they are not God. और जैसे पता चला कि जिससे वो प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर नहीं है. एंड व्हेन ही कम टू नो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. और उन्हें पता चला यीशु मसीह के बारे में. ही लेफ्ट एवरीथिंग. उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. एंड ही रन आफ्टर जीसस. वो यीशु के पीछे दौड़े. फ्रॉम दैट डे तब से लेकर टिल टुडे आज तक. व्हेरेवर ही गो जहां भी वो जाते हैं. ही विल स्पीक ओनली अबाउट जीसस. वो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बातें करते. बिकॉज व्हेन ही कम टू नो. जब उन्हें पता चला जीसस इज ओनली लॉर्ड एंड सेवियर. यीशु ही वो सच्चा परमेश्वर. ही इज ओनली द वे. और वही मार्ग है. ही इज ओनली द ट्रुथ. वही सत्य है. एंड ही इज ओनली द लाइफ. और वही जीवन है. एंड फ्रॉम दैट डे और उस दिन से ही डिसाइडेड. वो उन्होंने निर्णय लिया. आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स. अब मुझे कुछ नहीं चाहिए. एक्सेप्ट जीसस. यीशु मसीह को छोड़कर. एंड व्हेनेवर ही मीट एवरीवन. और जैसे ही वो किसी से मिलते थे. He will speak about Jesus. वो यीशु के बारे में बताते थे. When we are at home last week. और जैसे हम पिछले हफ्ते घर पर थे. He was asking because he did not know Kannada. और वो पूछ रहे थे क्योंकि वो उन्हें कन्नड़ा नहीं पता. And a building watchman was Kannada man. और जो बिल्डिंग का वॉचमैन था वो कन्नड़ा था. And that man only know Kannada. और उस व्यक्ति को सिर्फ कन्नड़ा ही. He do not know Hindi or any other language. उसे तो हिंदी और दूसरी भाषा भी नहीं पता. So he was eating tambaku. और वो तंबाकू खा रहा था. And that time my husband told because he know what is the know the Kannada. In that Kannada he told him. और जो उसे पता था तो उन्होंने उसे कन्नड़ा में वो बताया. Don't eat tambaku. कि तंबाकू मत खाओ. It is not good for you. वो आपके लिए अच्छा नहीं है. And after he coming home, he told me. और जैसे वो आए उन्होंने बताया. You have to tell about Jesus to him. और आप यीशु मसीह के बारे में उसे बताना है. And I was asking Lord. और मैं परमेश्वर से मांग रही हूँ. You give me the opportunity. आप मुझे मौका दीजिए. To speak about Lord. कि मैं परमेश्वर के बारे में बता सकूँ. Because before one watchman was there. उससे पहले एक वॉचमैन था. And we told about Jesus. हमने यीशु के बारे में बताया उसे. And we will make sure. और हमने ये बात को जाना. If anyone is coming in our life. और जो कोई भी हमारे जीवन में आ
जाता है. नो मैटर इज अ वॉचमैन और डॉक्टर इज एनीवन, कोई बात क्यों ना हो कि वो वॉचमैन हो या डॉक्टर, वी विल टेल अबाउट जीसस, हम यीशु के बारे में बताएंगे. बिकॉज वी डोंट वांट टू डाई एंड गो बिफोर लॉर्ड, और हमें ऐसे मरकर परमेश्वर के सामने नहीं जाना है. विदाउट टेलिंग हु इज कमिंग टू अवर लाइफ, और जो भी हमारे जीवन में आते हैं उनको बिना बताए. विदाउट अबाउट जीसस, कि यीशु मसीह को, यीशु मसीह के बारे में बिना बताए हमें मरकर यीशु के सामने नहीं जाना है. And because and when my husband told about this watchman, और जब वो मेरे पति ने वॉचमैन के बारे में बताया, and I was asking Lord, और मैं बता रही थी पूछ रही थी परमेश्वर, yes Lord, we do not know how many days we will remain in this house. हाँ परमेश्वर, हम कितने दिन इस घर में रहेंगे हम नहीं जानते. Before we go, I have to tell about you. और आप यहाँ से जाने से पहले हमें आपके बारे में उसने बताना है. And very next day, और उसी के तुरंत दिन बाद, we went to one hospital to pray for one patient. एक पेशेंट को प्रार्थना करने के लिए हॉस्पिटल. When we were coming back, we met his wife. और फिर हम जैसे आ रहे थे, फिर उनकी पत्नी से मिले. And she was asking me the job. और वो हमें काम पूछ रही थी. I said, I can give you a job in my house. इन्होंने कहा, सिस्टर ने कहा कि हम काम दे सकते हैं मेरे घर पर. But we are not staying in this house very regular. पर हम हमेशा के तौर पे इस घर पर we are keep on traveling. हम सफर करते रहते हैं. And that time that woman told me, और तभी उस स्त्री ने कहा, you are doing church job. आप कलीसिया का काम करते हो. And that is the chance God blessed me. और वही तो मौका है परमेश्वर ने मुझे आशीष किया. And I told about Jesus both of them. और यीशु मसीह के बारे में हम दोनों को बताया. And that man told me. और उस व्यक्ति ने मुझे बताया. When your husband told don't eat tobacco. और जब आपके पति ने मुझे बताया कि तंबाकू नहीं खाना. I stopped it. मैंने छोड़ दिया उसे खाने का. And I told him why he told you to not to eat tobacco. फिर मैंने बताया कि उन्होंने क्यों बताया कि आपको तंबाकू ना खाए. I told we are serving living God. मैंने कहा कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं. The God who created me and you. जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है. Is the true living God. और वो ही सच्चा परमेश्वर है. He will not leave any buildings. और कोई भी ऐसी बिल्डिंग वो नहीं छोड़ेगा. Who not live in any buildings. हाँ. He will not live in the buildings man made. और वो परमेश्वर ऐसे इमारत में नहीं रहेगा. बिकॉज इज अ लिविंग गॉड. ऐसे इमारत में नहीं रहेगा जो इंसान बनाते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है. He will live the temple which he made. और वो उस मंदिर में रहेगा जिसने परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से and बनाया which है. Which is alive. और जो जिंदा है. That temple is you and me. और वो मंदिर जो है आप और मैं है. So, hallelujah. In that, when I told, और तब मैंने कहा, that temple is you. और वो मंदिर आप हो. And if you are eating that tambaku or beedi or you're drinking alcohol, अगर आप कोई तंबाकू या बीड़ी या कोई शराब पी रहे हो, you are destroying yourself. तो आप खुद के नाश कर रहे हो. And you're destroying God's house. और परमेश्वर के घर का भी नाश कर रहे हो. And that brother, that watchman understood. फिर वो भाई वॉचमैन समझ गया. And he agreed. और वो कबूल किया. And he said yes sister. फिर उन्होंने कहा हाँ. I prayed when 5:30 the church bell is ringing. और तब मैं 5:30 को प्रार्थना करता हूँ जब चर्च का बेल बजता है. We will get up and pray. तब हम उठकर प्रार्थना करते हैं. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहन, it is a very important to tell. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बात बताने के लिए. Who is the true living God? और कौन है वो सच्चा परमेश्वर? Now today you also know. और अभी आपको भी पता है ये बात. Jesus is only the savior. यीशु ही सिर्फ उद्धार करता है. Why is only God? क्यों वो सिर्फ परमेश्वर है? Because he not born through any sin. क्योंकि वो किसी पाप से पैदा नहीं हुआ. Is there anyone in the world which the world is calling God is born without sin? और क्या कोई ऐसे दुनिया में बोल सकता है कि परमेश्वर पाप से जन्म लिया है करके? Any other gods are there? कोई ऐसे परमेश्वर है? Do you anyone knows? आपको पता है कोई ऐसा परमेश्वर है जो the God born through the Holy Spirit? कि जो परमेश्वर पवित्र आत्मा से जन्म लिया? I am asking you all. हम मैं आपको पूछ रही हूँ. Any time you heard? कभी भी ऐसा सुना? Is anyone born through Holy Spirit? कि कोई पवित्र आत्मा से जन्म लिया? ऐसा सुना? We have to understand. हमें समझना चाहिए. God is unique God. कि हमारा परमेश्वर एक अलग परमेश्वर. He don't have any beginning or end.
बिगिनिंग और एंड, शुरुआत और अंत नहीं है, वो नहीं है। तो गॉड when we if we tell is God, जब हम कहते हैं कि वो परमेश्वर है, he should be holy God, वो पवित्र परमेश्वर होना चाहिए। he not married to anyone, वो किसी से शादी नहीं होना चाहिए उसका। because when I heard, जैसे मैंने सुना, from other religion, कि दूसरे जातियों से, when they tell about their gods, वो तब उनके परमेश्वर के बारे में जब बताते हैं, they say this is his father and this is his mother, ये इसकी माता है, इसके पिता है, and they married and their son is one more god, और तो फिर वो शादी हुए, फिर उनका और एक बच्चा वो और एक परमेश्वर। do you heard this? क्या आपने इसे सुना है? Because many have came from other religion. Do you? Because why I'm making it sure? क्यों ये मैं साफ तौर पर सफाई दे रही हूँ कि many are coming here, क्योंकि बहुत से लोग आ रहे हैं ऐसे to Jesus, यीशु के पास, to receive blessings, आशीष पाने के लिए। When they do not receive blessings, जब वो आशीष नहीं पाते तब they will go to other gods, तो वो दूसरे परमेश्वर के पास चले जाते हैं। So when you if you know, जब आपको पता चले God is only one, परमेश्वर सिर्फ एक है, and he is only true living God, और वो ही सच्चा परमेश्वर है, then only you can think and believe and remain with that God, और तभी आप विश्वास करोगे और उस परमेश्वर के साथ रहोगे भी। So how you know Jesus is only one God? आपको कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह ही एक परमेश्वर है? If you see in the book of Matthew, अगर मत्ती की किताब में आप देखोगे तो chapter 1 verse 21, एक उसका 21 में, How many are sleeping here? मत्ती के कितने लोग सो रहे हैं यहाँ पर? मत्ती की किताब 1:21, Is anyone sleeping here? या कोई यहाँ पे सो रहा है? Because this topic is, क्योंकि ये जो विषय है, मत्ती की किताब पहला अध्याय इसका 21 वचन, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। What his name says? क्या है वो नाम? The angel says, Joseph, she will give birth to boy, you have to keep the name Jesus, because the name Jesus is, what it says? और स्वर्गदूत ने कहा यूसुफ को कि मरियम एक बच्चा जनेगी और उसका नाम तुम यीशु रखना, और यीशु रखना उसका अर्थ क्या है? यीशु का नाम का अर्थ क्या है? ओ पाप से छुड़ेगा, He will deliver from all your sins, तो वो सारे पापों से छुड़ाएगा। Is any God told He will deliver from your sin? क्या कोई परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं तुझे तेरे पापों से छुड़ाऊंगा? एनी टाइम यू हर्ड अबाउट दिस, एनी गॉड इज टेलिंग अबाउट आई विल डिलीवर यू फ्रॉम सिन, कोई परमेश्वर कहता है वो आपको सुनाई दिया कभी ऐसा कि मैं तेरे पापों से तुझे छुड़ाऊंगा? बिकॉज यू हैव टू नो दिस ट्रुथ, बिकॉज व्हेन यू गो आउट पीपल विल आस्क यू हाउ यू से जीसस इज ओनली वन गॉड, तो आपको ये सच्चाई जानना है और आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से यीशु मसीह ही हमारा एक लौता एक परमेश्वर है करके। Because his name Jesus is meaning he will deliver from your sin, तो यीशु का मतलब है कि वो ये हमें अपने पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर। If you see in the Old Testament, when we see in the Old Testament, अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो एवरी नेम हैज अ मीनिंग, सभी नामों का एक मतलब होता है। सो द पीपल विल बिलीव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर नेम, और फिर लोग जानेंगे कि उस नाम का क्या मतलब है। द नेम ऑफ अब्राहम सेज, अब्राहम का नाम का मतलब है द फादर ऑफ नेशन, कि राष्ट्र का पिता। डू यू नो, आपको पता है नेशंस राष्ट्र का पिता, मतलब What happened when Abraham don't have child? जब अब्राहम को बच्चे नहीं थे, All people knew he don't have child. सभी को ये बात पता थी कि अब्राहम को बच्चे नहीं है। Before God told him, his name was Abram.
तो उस परमेश्वर उनसे बात करने से पहले उनका नाम एब्रम था. When God came and told God, Abram, I want to bless you. Before that, you change your name, and your name is now not Abram, it is Abraham. तो परमेश्वर ने जब उनसे बातें की है तो उन्होंने कहा कि अब से तेरा नाम एब्राहम नहीं रहेगा, अब्राहम रहेगा. अब्राहम means you are the father of nations. अब्राहम का मतलब है तुम राष्ट्र का पिता हो. When through his many generations will come. कि उसके द्वारा बहुत सारे पीढ़ी से पीढ़ी जन्म लेंगे. So every name is meaning. तो हर एक नाम का मतलब होता है. There is one more name is a Jabez. और जाबेज का एक नाम है. That name is meaning the man of sorrow. और वो नाम का मतलब है मनुष्य जो दुख से भरा हुआ. Because when he born, क्योंकि जब वो पैदा हुआ, his mother was in most difficult give birth to him. और उसकी माँ को बहुत तकलीफ हुए उसे जन्म देने में. So in that time, she kept the name of sorrow. और उस वक्त Jabez. उस वक्त उस व्यक्ति का नाम, उस बच्चे का नाम रखा गया Jabez. So all people are calling him is a sorrow, and people are really neglecting everyone. और सच में सभी लोगों ने उसे दुख का बच्चा करके ऐसे नामों से पुकारने लगा और उसे धुतकारने लगे. Because his name says also, if he goes close to any other people also, they will also receive sorrow. और ऐसे उस बच्चे के नाम का मतलब था दुख. अगर वो किसी के पास जाता भी है तो वो दुख ही बांटेगा, ऐसे लोग सोचते थे. So that is why keeping name is also very important. तो नाम रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है. So when the name Jesus, जब ये नाम जो है यीशु, is the meaning, he will deliver you from sin. और वो आपको पाप से बचाएगा. So that is why no one can reject this truth. कोई भी सत्य को नकार नहीं सकता फिर. So that is why you have to know Jesus is only true God, because his name himself says he will deliver us from sins. क्योंकि यीशु मसीह के नाम का सही मतलब स्वयं ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों का छुड़ाने वाला परमेश्वर है. You understood something? आपको कुछ समझ में आया नहीं? The second, दूसरी बात, the when if you read in the next Matthew 1:23, और मत्ती उसका 1:23 में अगर पढ़ेंगे तो there it says his name is Emmanuel. तो वहां पर देखते हैं कि उसका नाम इमैनुअल है. इमैनुअल मीनिंग इज गॉड विद अस. इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ. Who can stay with us always? कौन हमारे साथ हमेशा रह सकता है? Who can stay with us? कौन हमारे साथ रह सकता है? Only God will stay with us. सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ रह सकता है. If his name is God with us, अगर उसका नाम ये है कि वो परमेश्वर हमारे साथ है. Because it's the name of Jesus, they called, he will call with Emmanuel, the word says. जो यीशु मसीह करके नाम रखा है क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि इमैनुअल, जो परमेश्वर हमारे साथ है. So are you sure now Jesus is only God? क्या आप अभी निश्चय रूप से जान गए कि परमेश्वर ही एक यीशु मसीह एक परमेश्वर है? द मॉर्निंग द पास्टर विकास कामले वॉज टोल्ड, सुबह के सभा में पास्टर विकास कामले ने कहा, सम ग्रुप इज यहोवा विटनेस, कुछ लोग यहोवा विटनेस के लिए होते हैं. दे से ओनली फादर, सिर्फ वो पिता के बारे में कहते हैं. दे नो नीड जीसस, और कोई होते सिर्फ यीशु के बारे में. दे नो नीड सन, और सिर्फ या तो फिर कोई पुत्र के बारे में कहते. बिकॉज देर नाउ द कमिंग डेज और ऑलरेडी देर आर मेनी ग्रुप्स आर, दे विल कम एंड टेल यू, यू हैव टू कम, दिस इज द ट्रुथ, दिस इज नॉट ट्रुथ. तो अभी ऐसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन गए हैं, वो लोग कहते हैं कि ये सच है, वो सच है, यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए. सो दैट इज यू हैव टू नो दिस क्लास मे बी यू थिंक इट इज नॉट लाइक अ इंटरेस्टिंग लाइक अ स्टोरीज, बट दिस क्लास आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द ट्रुथ, हु इज रियली जीसस. तो ये क्लास अगर अभी हम जो ले रहे हैं, आपको लगता रहेगा कि ये कुछ खास नहीं है, परंतु मुझे आपको ये बताना है कि सच में यीशु कौन है. इज इट जीसस इज गॉड, क्या सच में यीशु परमेश्वर है? सो नाउ आई गिव यू टू ट्रुथ. तो अभी मैं आपको दो सत्य बताऊंगी. आई ऑलरेडी टोल्ड टू ट्रुथ. वन इज जीसस नेम इज द मीनिंग, ही विल डिलीवर यू और डिलीवर अस फ्रॉम सिंस. तो मैंने आपको दो सत्य बता दिए हैं कि एक सत्य ऐसा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो आपको पापों से छुड़ाएगा. द सेकेंड द इमैनुअल गॉड, और दूसरा इमैनुअल परमेश्वर.
So then yesterday when Pastor Vikas Kamble was told, और फिर कल जो विकास पास्टर ने कहा, when Daniel was in the lion's den, जब डैनियल जो सिंह के गुफा में था, there was lion of Judah, और सिंह यहूदा के गोत्र का सिंह जो था, and he was Jesus, और वो यीशु मसीह था, और he told, और उसने कहा, in the Old Testament, पुराने नियम में, who is angel, कि कौन है स्वर्गदूत, and that angel was no one else, it was Jesus, कोई और नहीं, परंतु वो स्वर्गदूत यीशु मसीह ही था. So how we know, if we see in the when the beginning of the Genesis, और हमें कैसे पता चलता है उत्पत्ति की शुरुआत में, when God says, जब परमेश्वर कहता है, let us create, आइए हम कुछ रचना करते हैं. What God says, God not says, I will create. परमेश्वर क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि चलो मैं बनाता हूँ. What he says, क्या कहा परमेश्वर ने? In the Genesis first, उत्पत्ति पहले किताब में. In the beginning, शुरुआत में, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." So if we read, yeah, read sister. उत्पत्ति की किताब में अभी हमने अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति एक एक के आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसी तरह अगर हम देखेंगे उत्पत्ति 1:26 में कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए. Then God said, let us make mankind. Let us. What God says here, let us. There is a plural. Not one person. और परमेश्वर ने कहा कि हम बनाएंगे, एक अकेला नहीं, हम बनाएंगे. हम बनाएंगे मतलब उधर थ्री, एक से ज्यादा था. There is more than one. Means Father, Spirit and Son. मतलब so, एक से ज्यादा था. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. हम कहा गया है, यानी अनेक रूप का इस्तेमाल किया गया है. So there is Jesus was there. तो यहाँ पर यीशु मसीह मौजूद है. If you see in the same the Genesis, in the 11th chapter, उसी उत्पत्ति में अगर 11 अध्याय में देखेंगे तो there is the people are building Babel tower. और बाबेल का टावर, yes, बाबेल का टावर जब बना रहे थे तब, so that time again God says the same, let us go down. और वहां पर भी परमेश्वर ने वही कहा, चलो हम नीचे जाते हैं. In the chapter 11. Genesis chapter 11. उत्पत्ति उसके 11 वचन में, if you read in there also it says, let us we go down. और वहां पर भी लिखा है कि चलो हम नीचे जाते हैं. That means God was not alone. God's Son and Holy Spirit was there. यानी वहां पर भी सिर्फ परमेश्वर अकेला नहीं था, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद थे. So Jesus is always with God and we need Jesus. और यह हमें यीशु मसीह की जरूरत है यहाँ पर. So if you read in the John chapter 1, in the beginning was the word, and the word was with God, and word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Here the word says, the word is Jesus. Here the in the book of John chapter, Yohana book में, यूहन्ना की किताब में पहला अध्याय पहला वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और उसी से सारी सृष्टि रची गई है. ए वचन जीसस से, और यही वचन है, वर्ड इज जीसस. सो बिकॉज जीसस एंड गॉड द फादर दे आर ऑलवेज वन, और पिता परमेश्वर और यीशु पवित्र आत्मा हमेशा एक होते हैं. So that is why we cannot say Jesus is not God. और हम ऐसे नहीं कह सकते कि यीशु परमेश्वर नहीं है. When we read in the book of John, और जब हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, in that chapter 1, if you read 48 verse, अगर पहले अध्याय में 48 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो, there is one man Nathanael. Nathanael करके एक व्यक्ति था. When he came to Jesus, जब वो यीशु के पास आया, Jesus said,
यीशु ने कहा, आई सो यू अंडर द फिग ट्री, और मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। बिकॉज नथानाएल ओनली ही न्यू, बिकॉज वेन ही वॉज देर नो वन वॉज अराउंड हिम, और क्योंकि सिर्फ नथानाएल को पता था, क्योंकि वो जब जिस पेड़ के नीचे था उसे ही पता था, कोई उस किसी ने उसे देखा भी नहीं था। एंड नथानाएल वॉज प्रेइंग अंडर द फिग ट्री, तो नथानाएल जो है वो अंजीर के पेड़ के नीचे वो प्रार्थना कर रहा था। एंड नो वन वॉज विद हिम, और कोई भी उसके साथ नहीं था तब। एंड व्हेन ही हर्ड अबाउट जीसस एंड ही केम टू जीसस, जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और यीशु के पास आया, व्हेन जीसस आई सॉ यू अंडर द फिग ट्री, और यीशु ने तब उसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा है, दैट नथानाएल अंडरस्टूड, तब नथानाएल समझ गया, जीसस इज गॉड, यीशु परमेश्वर है। बिकॉज क्योंकि व्हेन वी आर प्रेइंग, जब हम प्रार्थना करते हैं, वी आर कनेक्टिंग विद ओनली गॉड, हम सिर्फ परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। देन नथानाएल अंडरस्टूड, तब नथानाएल को समझ में आया, बिकॉज आई वॉज प्रेइंग, क्योंकि जब हम प्रार्थना कर रहे थे, एंड जीसस कम टू नो आई एम प्रेइंग, और फिर यीशु मसीह को पता चला कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स ही इज अ जीसस, ही इज अ गॉड, तो इसका मतलब ये है कि वो स्वयं परमेश्वर है। अंडरस्टूड, इज इट ट्रूथ, समझ में आया, ये सच है। सो ओनली गॉड कैन नो, सिर्फ परमेश्वर को पता है, वेयर यू आर, कि तुम कहाँ हो, वॉट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। सो इफ यू आर हियर, अगर आप यहाँ हो, यू हैव टू मेक श्योर, तो ये निश्चय करना चाहिए, जीसस इज ओनली वन गॉड, कि यीशु ही सिर्फ परमेश्वर है, एंड ही नो एवरीथिंग, और उसे सब पता है। सो व्हेन आई फर्स्ट आई टुक द स्क्रिप्चर 4:12 Acts 4:12, और जब प्रेरित के काम 4:12 में हमने देखा, तो दैट वर्ड सेज जीसस इज ओनली वन गॉड, कि वो वचन कहता है कि यीशु ही सिर्फ परमेश्वर है। ओनली थ्रू जीसस वी कैन गो हेवन, यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। इन द फिलिपींस चैप्टर 2, फिलिपियों 2 अगर हम पढ़ेंगे, तो देयर आल्सो द वर्ड सेज, वहां पर भी वचन कहता है, एवरी नी शल बाउ, हर एक घुटना टेकेगा, एवरी टंग शुड कन्फेस, और हर एक जबान अंगीकार करेगा, जीसस इज ओनली वन गॉड, कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाई बहनों, वी आर इन द लास्ट डेज, हम आखिरी दिनों में हैं। नाउ जीसस इज कमिंग, यीशु मसीह आ रहा है, वेरी सून, जल्द से जल्द। इफ यू गो एंड आस्क द मुस्लिम ब्रदर्स ऑल्सो, कोई भी मुस्लिम भाइयों को भी अगर आप पूछोगे, तो यू कैन हियर फ्रॉम देयर माउथ, आप उनके मुंह से सुन सकते हो, ईसा इज कमिंग, कि ईसा अलैहि सलाम आ रहे हैं। देयर ऑल्सो दैट ट्रुथ नो वन विल डिनाई, और वो सच्चाई को भी कोई मना नहीं कर सकता। सो जीसस इज कमिंग, कि यीशु आ रहा है, एवरीवन नोस ही इज कमिंग बैक, सभी को पता है कि वो फिर से आने वाला है। एंड मेनी टाइम आई आस्क क्वेश्चन, बहुत बार मैं ये सवाल भी करती हूँ, यू आर वेटिंग ईसा इज कमिंग, आप इंतजार कर रहे हैं कि ईसा आ रहे हैं, बट नाउ यू आर नॉट कॉलिंग हिम गॉड, पर अब तो तुम उसे परमेश्वर नहीं पुकार रहे, एंड और यू डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद हिम, और उनके साथ कोई नाता भी नहीं है। So if you are not connected with him, अगर आप उनके साथ कोई नाता नहीं है, how you can welcome him? तो आप उसका स्वागत कैसे करोगे? One day, many years back, I was in Qatar. हाँ, बहुत साल पहले मैं कतार में थी। I was went to study the computer. और मैं कंप्यूटर की पढ़ाई करने गई थी। And there was one Muslim Sudani man. और सुदानी नाम मनुष्य था। I am always waiting somebody to talk about Jesus. और मैं हमेशा रुकी रहती हूँ कि कोई। And especially I love, I want like these people, the Muslims who is strong in their faith. और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मुस्लिम भाई भाई अपने विश्वास से बहुत मजबूत रहते हैं। And that man started talk to me. I was waiting for my husband to go home. और मैं इंतजार कर रही थी उस व्यक्ति से बात करने के लिए और कि मेरे पति घर जाए। And that man asked me, madam, are you happy in this country? तो वो उन्होंने पूछा मुझे कि मैम आप खुश हो इस देश में? And I was very happy, asked a good question. और मैं इतनी खुश थी कि उसने सही सवाल किया। And I told I'm very happy because of my Jesus. और मैंने उसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ मेरे यीशु की वजह से। No matter which country I am, Jesus is with me. कोई देश क्यों ना हो, मैं वो मायने नहीं रखता, परंतु यीशु मेरे साथ है, मैं खुश हूँ। He has blessed me with everything. और उसने मुझे सारी बातों से आशीष दिया। Because that man do not have job. He don't have job. और उन्हें काम नहीं था। So he said, here in this country, these people are not giving job to us. They are giving their own people. और इस जगह पर उन्होंने अपने लोगों को काम नहीं देते हैं, दूसरों मुझे काम नहीं दे रहे। I said that is their right.
तो मैंने कहा कि ये सही है बिकॉज यू कैन गेट जॉब इन योर कंट्री, तो तुम्हें तुम्हारे देश में जॉब काम मिल सकता है. Where these people can go. तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे. So he was kept quiet. तो चुप रहा. But still he was not comforted in his spirit. तो फिर भी वो आत्मा में कुछ नहीं था. He said, but still I'm not happy, sister, madam, he told. तो कहा कि मैं फिर भी खुश नहीं हूँ मैं. I said, I'm very happy because of my Jesus. और फिर मैंने कहा कि मैं. So again I encouraged on that name. फिर मैंने और उस नाम पर दबाव दिया. So he said, why you say Jesus is God? कि मैंने कहा कि क्यों यीशु मसीह यीशु ही परमेश्वर. He said, उसने सिस्टर से पूछा कि तुम क्यों ऐसा कहते हो कि यीशु ही परमेश्वर. I said, he's born through Holy Spirit. मैंने कहा क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्मा है. And that time he told me, even Adam also born through Holy Spirit. और yeah. तो उसने कहा कि आदम भी तो पवित्र आत्मा से जन्मा है. Isn't he right? क्या वो सही है वो व्यक्ति ने कहा वो आदम पवित्र आत्मा से जन्मा वो व्यक्ति ने कहा क्या ये बात सही है. He is right, you are wrong. देखो वो सही है आप wrong है. Because he Adam also born through the Holy Spirit because God created God put His Spirit. So he born through, he is not Adam also not born through any sin. देखो वो आदमी भी सही था क्योंकि आदम कोई पाप से पैदा नहीं हुआ था. आदम परमेश्वर के आत्मा से ही. बिकॉज व्हेन गॉड क्रिएटेड जब परमेश्वर ने बनाया ही टुक द मड इन हिज हैंड मिट्टी को लेकर बनाया एंड पुट गॉड स्पिरिट इन इट तो परमेश्वर की आत्मा उसमें फूका. एडम नॉट बॉर्न थ्रू एनी सिन मींस एनी विद हस्बैंड एंड वाइफ. यस पर कोई पति पत्नी के संबंध से आदम पैदा नहीं हुआ है. आर यू अंडरस्टूड दिस ट्रुथ. ये सच्चाई आपको समझ में आया. यू हैव टू नो दीज ऑल थिंग्स. ये आपको जानना है ये सारी बातें पता होना चाहिए. आई सेड यस यू आर राइट. मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे हो. बट एडम इज सिन परंतु आदम ने तो पाप किया. लेटर एडम डिसोबेड क्योंकि थोड़े दिन के बाद में आदम ने आज्ञा को तोड़ी. बट माई जीसस नॉट सिन परंतु मेरे यीशु ने कोई पाप नहीं किया. He did father's will. और उसने पिता का इच्छा पूरा किया. So that time the man was quiet. तब वो इंसान चुप हो गया. Because he don't had anything to tell about Jesus. क्योंकि उसके पास कोई बात बाकी नहीं रहा यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए. Then he told me, okay, madam, pray for me. तो उन्होंने कहा ठीक है मैम मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए. So my dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहनों, this is a small truth. और ये एक छोटी सी सच्चाई है. You have to know this. आपको ये पता होना चाहिए. You do not know how people come and cheat you. और आपको नहीं पता कि लोग कैसे आकर आपको धोखा दे सकते हैं. Who do not know, who don't have Holy Spirit. और जिसे पवित्र आत्मा नहीं है. They will have the information of Bible. और उनके पास सिर्फ बाइबल की जानकारी होगी. They have all the bad scriptures. और सिर्फ उन्हें सारे वचन याद रहे होंगे. But without Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बगैर दे विल ऑल्सो थ्रू दैट और उसके द्वारा जीसस इज ओनली ट्रू गॉड उसके द्वारा यीशु ही परमेश्वर है. व्हेन दे कम टू यू जब वो आपके पास आएंगे यू विल ऑल्सो फेल टू आंसर तब आप भी हार जाओगे उत्तर देने के लिए. जीसस इज ओनली ट्रू गॉड कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है. सो दैट इज व्हाई इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर आपको ये बात निश्चय करना है. जीसस इज ओनली वन गॉड कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दीस थिंग्स तो इसीलिए मैं सारी बातें बता रही हूँ. मेक श्योर कि ये निश्चय करने के लिए जीसस इज ओनली गॉड कि यीशु ही परमेश्वर है. व्हेन If you see in our calendars, अगर आप कैलेंडर में देखोगे तो how we will start the calendars? कैसे हम कैलेंडर की शुरुआत करते हैं? After AC and before AC and after BC and AC. हम कैसे कैलेंडर की शुरुआत करते हैं? What is BC that? और AC क्या है वो? What is that AC and BC? AC BC क्या है? After Christ and before Christ. Why government cannot do anything else? गवर्नमेंट कुछ और नहीं कर सकता था क्या? ये बीसीएसी क्या है? बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट. कैन एनीवन राइट ऑल दिस थिंग्स? क्या आपको ये किसी को ये बातें पता था? बिकॉज ट्रुथ इज ट्रुथ क्योंकि सच्चाई वो सच्चाई है. व्हेन जीसस बॉर्न जब यीशु मसीह पैदा हुआ द
The three kings came to Jesus. तो तीन राजा यीशु के पास आए. When they coming on the way, और जब वो रास्ते में आ ही रहे थे, they met King Herod. हेरोद राजा से मिले. The king who is on that time, और उस वक्त जो वो राजा था, they told, we came to meet to see the king. हम आए उस राजा से मिलने के लिए. Who was born now? जो अभी पैदा हुए. Who born? They told. कि कौन पैदा हुआ कहाँ? No, they came to tell this king. We came to see the king who was born. और वो तीन राजा आए ये बोलने के लिए राजा को कि एक राजा अभी जन्म लेने वाला है. कौन जन्म? राजा, not बच्चे. कौन जन्म लेने वाला है? What राजा. They told king born. उन्होंने कहा राजा जन्म ले रहा है. If any king born, अगर कोई राजा जन्म लेता है, when they born are they king? No. वो पैदा होते तो वो राजा होते हैं क्या? नहीं. When they will become king? कब वो राजा होते? After many years. बहुत सालों के बाद. If they are alive, they will become king. If their father is king, they will become king. अगर वो जिंदा रहे तो वो राजा बनेंगे, या तो फिर उनके पिता है तो वो राजा बनेंगे. इसका पिता राजा है तो भी वो राजा बनेगा. But here, पर यहाँ, what this king, three king says? तो यहाँ पर तीन राजा ने क्या कहा? We came to visit, to see, to worship the king who born. तो हम यहाँ पर आए उस राजा से मिलने के लिए जो अभी पैदा हुआ है. So no one born as a king like Jesus. तो कोई ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह के जैसा पैदा हुआ राजा बनकर. In the Bible, Bible में the word says, वचन कहता है, king born, कि राजा पैदा हुआ. Understood what I'm telling? मैं क्या कह रही हूँ समझ में आया? In any history, कोई भी इतिहास में, you will never read. आप कभी ऐसा नहीं पढ़ोगे. When he was born only king. When he was born only king. हाँ, आप ऐसा नहीं पढ़ सकते कि वो पैदा हुआ तभी वो राजा बना. And the second, और दूसरी बात, when the kings came, जब वो राजा आए उनके पास, because they heard from the history, और उन्होंने इतिहास से सुना, and they saw the star, और उन्होंने तारे को देखा, then they came. फिर वो आए फॉलोइंग दैट स्टार, और उस तारे के पीछे, टू सी जीसस, यीशु को देखने के लिए. बट व्हेन दे वर कमिंग, और जब वो आ ही रहे थे, दे ब्रॉट गोल्ड, वो सोना लाए, इंसेंस एंड मिर्र, लोबान लाए, गंधरस लाए. बिकॉज व्हेन किंग विल कम, जब राजा आता है टू विजिट अनदर किंग, दूसरे राजा से मिलने के लिए, दैट टाइम ओनली दे विल ब्रिंग गोल्ड, तभी सिर्फ वो सोना लाते हैं. अदरवाइज दे विल नॉट come with gold. तो ऐसे वो तो सोना नहीं लेकर आते. So this is proof that Jesus was king. तो ये सच है कि यीशु राजा है. And they are bringing incense. तो वो लोबान लेकर आए. And it shows he's a priest. तो ये दिखाया कि वो एक महायाजक है. There are everything in the Bible. वो सारी बातें बाइबल में है. Speaks about, बताते हैं, Jesus is only one God. कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है. That is why we have to know and make sure. और यही हमें जानना है और निश्चय करना है. In our life, हमारे जीवन में. And when you go from this place, और आप जब इस जगह से जाओगे तो, Jesus is only one God. यीशु ही एक सच्चा परमेश्वर. There is no other God. कोई और परमेश्वर नहीं है. So if I live, अगर मैं जीऊ, I live for this God. तो ये मैं इस परमेश्वर के लिए. Because no other God, क्योंकि कोई और परमेश्वर नहीं. Died for you. तुम्हारे लिए मारा गया. No one can give their life to you. कोई भी आपके लिए जीवन नहीं देगा. Because when Adam and Eve sin, जब आदम और हव्वा ने पाप किए, everyone sin. तो सभी ने पाप किए. So with this sin, तो इस पाप से, so no one can enter heaven. कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता. Only Adam born through without sin, सिर्फ आदम ही बिना पाप के पैदा हुआ. Because God created him, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया. Because he disobeyed God, क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा. From their everyone's sin, और इसीलिए सबने पाप किए. So after, because of we sin, the Adam disobeyed, और आदम ने आज्ञा तोड़ी इस वजह से. Now God made a plan, और परमेश्वर ने एक योजना बनाई. About Jesus, यीशु मसीह के बारे में. Because to give His life for us, ताकि वो अपना जीवन हमारे लिए दे सके. To give His blood for us, अपना लहू हमारे लिए दे सके. To wash our sins from His blood, और उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धुल सके. Because
उससे पहले पुराने नियम में द गॉड वॉज यूजिंग एनिमल्स और परमेश्वर इन जानवरों को इस्तेमाल करता था. दैट ब्लड वॉज नॉट वॉशिंग द सिन और जो लहू जो है वो पाप को नहीं होता था. टेम्पररी कवरिंग द सिन और वो थोड़े देर के लिए सिर्फ ढक देता था पाप को. वन एवरी ईयर प्रीस्ट विल गो विद द ब्लड ऑफ लैम एनिमल्स ब्लड. हर एक साल जानवर के लहू को लेकर महायाजक जाता था. एंड मेकिंग अटोनमेंट फॉर द सिंस ऑफ पीपल और वाचा बांधता था लोगों के पापों के लिए. बट थ्रू दिस अटोनमेंट और इस वाचा से नो वन कैन एंटर हेवन कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता था. टू गो टू एंटर हेवन तो स्वर्ग जाने के लिए ब्लड हैज टू बी वॉश्ड तो उस लहू से धुलना चाहिए. थ्रू होली ब्लड पवित्र लहू से सिनलेस ब्लड और वो पवित्र लव होना चाहिए पापरहित. बिकॉज ऑफ दैट उस क्योंकि जीसस डाइड फॉर अस उसी लिए यीशु मसीह मारे गए. एंड नाउ व्हेन व्होएवर और अब जो कोई से जीसस इज माय लॉर्ड एंड सेवियर जो कहता है कि यीशु ही मेरा प्रभु है. इफ दे एक्सेप्ट जीसस इज लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ माय लाइफ और वो कबूल करते हैं कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है. बिलीव इन देयर हार्ट और वो विश्वास करते हैं उनके हृदय में. इन कन्फेस इन देयर टंग और अपने जबान से अंगीकार करते हैं यू आर सेव कि वो बच गए. यू आर यू विल गो हेवन तो ही आप स्वर्ग जाओगे. यू रिसीव द टिकट नॉट टू गो हेवन तो आपको वो टिकट मिल गया कि आप हेवन स्वर्ग जा सकते हो. अंडरस्टूड समझ में आया. हाउ मेनी आर अंडरस्टूड कितने लोगों को समझ में आया. इज इट डिफिकल्ट और इजी क्या ये मुश्किल है या आसान. इज इट डिफिकल्ट टू डू दिस ये करना मुश्किल है. नो आंसर कोई उत्तर नहीं. डिफिकल्ट क्या ये मुश्किल है करना. ओनली वी हैव टू बिलीव हिम इज गॉड. ही डाइड फॉर मी ही रेज्ड फ्रॉम हिज डेथ सो आई एम सेव्ड. सिर्फ विश्वास करना है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया गाड़े गया और जी उठा. एंड दैट टाइम योर सिंस आर वॉश्ड तभी ही आपके पाप धुल सकते हैं. आई नो दिस इज यू मे थिंक व्हाट इज दिस मैजिक तो आप सोच सकते हो ऐसे कैसे ये जादू हो सकता है. If it, I do not know, maybe you many people will know it, this. मुझे नहीं पता कि आप लोगों को हो सकता है पता हो. Because of for to receive blessings, कि आशीष पाने के लिए. How many times you give the blood of animal? कितने बार आपने जानवरों का लहू. How many are here? Can you raise your hands? कितने लोग ऐसे हैं कि जानवरों का लहू बहाए थे पाप को ढकने के लिए. Don't share because when you if you did, if you tell, it is the truth, we can understand the people. Sharmai nahi. Sorry? Our family was do that. Yeah, forget family, you. Yeah, your parivar nahi, aapne kiya tha kya? How many are gave their, they cut their hand and lamb. Papa ko kshama maangne ke liye murgi kaata, bakra kaata. No one did. Aisa kiya tha, kisi ne nahi kiya? Yeah. Yes. So if you believe that, अगर आप वो विश्वास करते हो बिकॉज यू बिलीव्ड इट राइट आपने पहले विश्वास किया था सही है. यू बिलीव्ड एंड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट और आपने विश्वास किया कितने सारे पैसे खर्च किए थे. बट नथिंग इज हैपेंड और कुछ भी नहीं हुआ. एंड दे नॉट गिव यू श्योर यू विल गो हेवन और ये वो लोग निश्चयता भी नहीं देते थे कि आप स्वर्ग जाओगे करके. एंड यू नो दिस इज नॉट हेल्पिंग और आपको ये पता है कि ये कुछ काम करने वाला भी नहीं है. एंड हियर यू नो नीड टू डू एनीथिंग और यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट गिव योर हार्ट टू जीसस सिर्फ अपने हृदय परमेश्वर को दे दो. एंड यू विल सी ऑल ब्लेसिंग्स और आप सारे आशीष को देखोगे. एम आई राइट क्या व्हेन यू आर क्वाइट आप शांत हो तो माय स्पिरिट विल नॉट लीड यू टू स्पीक तो मेरी आत्मा बात करने ही नहीं चाहेगी. You understood Jesus is true God. आपको समझ में आया कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है. कितने लोग को समझ में आया. So you will stand on this truth. तो आप इस सच्चाई पर खड़े रहोगे. If anyone comes, अगर कोई भी आए, you have an answer. तो आपके पास उत्तर होगा. Why Jesus is true living God? कि क्यों यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है. So now, तो अब we have to keep relationship with Him. तो हमें उससे नाता रखना है. सो वी विल सी द जेरेमिया 31
13 अध्याय Here, why I'm reading this, how we will go away from this God? Because when we receive Jesus, it is, we have to keep our relationship with God. किस तरह से हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है? Here God speaks Jeremiah. यहाँ पर यर्मिया के साथ परमेश्वर बात करते हैं. This is what the Lord said to me. और ये परमेश्वर ने मुझसे कहा. Go and buy a linen belt and put it round your waist, but do not let it touch water. So I bought a belt as the Lord directed and put it round my waist. यह यर्मिया 13 अध्याय का पहला वचन. यहोवा ने मुझसे यह कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे. Here God says Jeremiah, go and bring one linen. और यहाँ पर परमेश्वर यर्मिया को कहता है कि जाकर एक लुंगी मोल ले. And God is telling him to put. परमेश्वर कहता है कि उसे अपने कमर में बांध राउंड योर वेस्ट, बट डू नॉट लेट टच द वाटर. पर उससे पानी से भीगने न दे. हियर व्हाट इट सेज, योर गॉड इज, यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर, द लिनन बेल्ट इज यू एंड मी. और जो ये लुंगी जो है वो आप और मैं है. बिकॉज ऑफ जीसस, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा, He brought again back to Father. और उसने परमेश्वर के पास फिर से हमें लेकर आए. And now He kept us very close. और अभी वो हमें बहुत नजदीक रखा है. Here the God is telling Jeremiah with vision. और यहाँ पर यर्मिया को दर्शन के द्वारा परमेश्वर. How He loved His people. कैसे उसने अपने लोगों से प्यार किया. So He says He put it to His waist. That means He kept close to us. उसने अपने कमर में बांध लिया, इसका मतलब उसने बहुत करीब रखा. And he says, do not let it touch water. और उसने कहा कि कोई उसे पानी से भीगने ना दे. Because God never allow us to touch to enemy. और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि दुश्मन हमें छू सके. Because when we are close to God, जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं, we are, God is always protecting us. तो परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करता है. God will never allow us to touch to enemy. और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे दुश्मन हमें छू जाए. If you read down again, God says to Jeremiah. और अगर हम फिर से पढ़ेंगे तो यर्मिया से कहता है परमेश्वर. The second time, after some time, God is speaking to Jeremiah. तो फिर से कुछ देर के बाद यर्मिया से परमेश्वर कहता है, Take the belt you bought and are wearing around your waist. Now go now and Peratha and hide it there in a crevice in the rocks. और तब 13 उसका दूसरा वचन यर्मिया का, तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा का वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली. After some time God's telling Jeremiah, now remove that linen cloth and go and in the hide in some places, some place. और कुछ ही समय में परमेश्वर ऐसा कहता है कि उस लुंगी को उतार दे और कहीं पर जाकर छुपा दे. In the cave under the word summer he kept. कहीं पर गुफा में उसे छुपाने के लिए कहा. And after some times, और कुछ क्षण के बाद, again God is telling Jeremiah, फिर से यर्मिया से कहता है परमेश्वर, go and bring that linen cloth. जा जाकर उस मलमल के कपड़े को लेके आ. So when he bringing that bag, और जब वो फिर से ला रहा था, that was useless. तो वो कुछ काम का नहीं था. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहनों, when we are close to God, जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं, when we are working with God, जब हम परमेश्वर के साथ, when we are praying or praising with God, जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, God will protect us. परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा. Morning we heard, सुबह हमने सुना, when Jesus is with us, जब यीशु हमारे साथ है, we are protected from every evil. तो सारे दुष्ट आत्माओं से हमें सुरक्षा मिलती है. So that is even after receiving Jesus, तो उसी तरह यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद, we have to remain with Jesus. तो हमें यीशु मसीह में बने भी रहना है. When we go away from Jesus, जब हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, enemy will attack us. तो शैतान जो है वो आक्रमण करता है. If we go and read down, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो, when
When we go away from God, जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो the word evil nature will come to us. It is written there down. तो क्या ऐसा दुष्ट स्वभाव हमारे अंदर आएगा? The word लिखा हुआ है, वचन कहता है, the people वो लोग received pride. तो लोगों के पास घमंड आया. The people don't want to hear the word. और परमेश्वर वो लोग जो है परमेश्वर के वचन सुनना नहीं चाहते थे. People want to do what they want to do. और लोग वो करना चाहते थे जो उन्हें उनके मन में आता है वो करते थे. In the many churches, और बहुत सारे कलीसियाओं में, when people come to first and the church, जब लोग बहुत बार पहली बार कलीसिया में आते हैं, और first come to the pastors, पहले पास्टर के पास आते हैं, they are filled with all problems, और वो पूरे समस्या से भरे हुए रहते हैं, with the evil spirit, वो दुष्ट आत्मा से भी भरे रहते हैं, और they do not know anything about God or वर्ल्ड, और उन्हें परमेश्वर के बारे में या वचन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता. द मैन ऑफ गॉड और सर्वेंट ऑफ गॉड, और परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक, ही विल प्रे फॉर देम, वो उनके लिए प्रार्थना करेगा. ही विल लव देम, और वो उनसे प्यार करेगा. ही विल गाइड देम, वो उनकी अगुवाई करेगा. ही विल हेल्प देम, वो उन्हें मदद करेगा. नाउ यू आर ग्रोइंग इन द चर्च, तो आप वो भी कलीसिया में बढ़ रहे हो. एंड यू नाउ यू लर्निंग मेनी थिंग्स इन द चर्च, तो आप बहुत कुछ सीख रहे हो कलीसिया में. यू आर लर्निंग मेनी स्क्रिप्चर फ्रॉम द चर्च, आप कलीसिया से बहुत सारे वचन सीख रहे हो. एंड यू आर रिसीविंग मेनी इन्फॉर्मेशन ऑफ द बाइबल, और बाइबल की बहुत सारी जानकारियां ले रहे हो. इफ नाउ यू आर थिंकिंग, अब आप सोचते हो तो आई नो एवरीथिंग नाउ, कि मुझे अभी सब पता है, सो आई नो नीड टू गो रेगुलर टू चर्च, मुझे हर बार कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है. आई नो नीड टू गो टू मीट पास्टर्स, अब मुझे कोई पास्टर की जरूरत नहीं है. व्हेरेवर आई वांट टू गो आई विल गो, मैं जहाँ जाना चाहिए मैं जाऊंगा. मेनी टाइम्स वी विल गो अदर चर्चेस, और बहुत बार हम अलग कलीसिया में जाते हैं, और वी विल सिट एट होम, और वी विल बिजी विद आवर ओन वर्ल्ड, और हमारे कामों में हम घर में व्यस्त रहते हैं. सो स्लोली द होली स्पिरिट विल रिसीव, तो धीरे से पवित्र आत्मा जो आएगा, he will go away from you, वो पूरी तरह से आपके आपसे दूर चला जाएगा. This is what in the same way that Jeremiah, God is telling here Jeremiah, और उसी तरह से यर्मिया को भी यही पर ये कहा गया. Because God loved us so much, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, he gave his son Jesus Christ to us, कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया. And when we receive all blessings, जब हम सारे आशीष को प्राप्त कर चुके, we will go away from him, जब हम उससे दूर जाते हैं, we will busy in our own world, हम अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं. When we receive all blessings, जब हम पूरे आशीष को प्राप्त करते हैं, even we will forget Jesus, फिर यहाँ तक कि हम यीशु मसीह को भी भूल जाते हैं. That is why it is very important, और यही वो महत्वपूर्ण बात है, always having close relationship with God, कि हमेशा एक घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ. When we see the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब अगर हम देखेंगे तो the word says Enoch was walk with God, और जो हनोक परमेश्वर के साथ चला, and God took him, और परमेश्वर ने उसे ले लिया. The Elijah was walking with God, एलिजा परमेश्वर के साथ चल रहा था. And one day God took Elijah also, और एक दिन एलिजा को भी परमेश्वर ने ले लिया. This is the life we have to live, और इसी तरह ही हमें जीवन जीना है. If you read in the book of Genesis from 39, उत्पत्ति की किताब 39 से अगर पढ़ेंगे तो we will see that the Joseph, यहाँ पर देखेंगे हम लोग यूसुफ के बारे में. Only write chapter 39, लिख के लो सिर्फ, no need to open, कोई बाइबल नहीं खोलेंगे, सिर्फ लिख लीजिए. Many times you heard this story, ये बहुत बार आपने सुना है उत्पत्ति 39. It speaks about the son of Jacob, Joseph, son of Jacob, और याकूब के संतान के बारे में सुना है. एंड इज अ जोसेफ, और वो यूसुफ है. इफ यू रीड अबाउट हिम, अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो एवरी टाइम, हर बार द वर्ड सेज, वचन कहता है, गॉड वॉज विथ हिम, कि परमेश्वर उसके साथ था. एंड इन ओनली इन अबाउट जोसेफ, और सिर्फ यूसुफ के बारे में, वी नेवर हियर अबाउट सिन, पाप के बारे में नहीं सुनते. ही इज द शैडो ऑफ जीसस. We can see, when we see Joseph's life, जब हम यूसुफ का जीवन देखेंगे तो we can see Jesus' life, तो हम यीशु का जीवन भी देख सकते हैं. Not like exactly, और पूरी तरह से नहीं, परंतु but he was walking with God, पर वो परमेश्वर के साथ चलता था. So he is close to God, तो वो परमेश्वर के करीब था. And he avoids sin, और वो पाप को दूर रखता था. When he was with his brothers,
जब वो अपने भाई के साथ है, God showed him many visions. तो परमेश्वर ने उसे बहुत सारे दर्शन दिखाए. And in that visions, और उन दर्शनों में, God was telling him, परमेश्वर उसे कह रहे थे, One day he will become leader. वो एक दिन एक अगुआ बनेगा. And he is above all his brothers. और वो अपने भाइयों में से बढ़कर होगा. And his brothers and his father and mother also come and bow before him. और अपने माता पिता को भी वो बुलवा भेजेगा ताकि वो उसके सामने झुके. When these dreams, when he is talking with his brothers, जब ये दर्शन को अपने भाइयों के साथ बांट रहा था, the brother was really jealous on him. और जो भाई लोग हैं सच में उसमें जलन रख रहे थे. They're getting very upset. और वो उदास हो रहे थे. So and even the his father Jacob was. और उसका पिता याकूब भी loved Joseph so much. और यूसुफ से इतना प्यार करता था. So for everything, इस सब बातों के लिए his brother was jealous about Joseph. और यूसुफ का भाई लोग जो थे वो बहुत जलन रखते थे. And their jealous was so much increased. और उनका जलन इतना बढ़ने लगा. One day they put him in the well. और उन्होंने एक कुएं में डाल दिया एक दिन. Then later they sold to Egyptian. और फिर कुछ दिनों में उसे मिस्र देश में बेच दिए. And they came and told his father. और अपने पिता से आकर कहे, Your son died. तुम्हारा बेटा मर गया. Because they brought his robe. और उसके जो चिंदी था कपड़ा था वो लेकर आए. When before bringing they put in the animal's blood. और वो लाने से पहले जानवर के खून से उस कपड़े को भर दिए. Then showed his father. और उसके पिता को दिखाए. Can you recognize this is your son's robe? तो उन्होंने कहा कि देखो ये कपड़ा तुम्हारे बेटे का तो नहीं है. Because we found this. क्योंकि हमें ये मिला. Maybe your son died. हो सकता है तुम्हारा बेटा मर गया है. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहनों, they also were that same father's children. और वो भी उसी पिता के बेटे थे. They also praying that same living God. और वो भी उसी परमेश्वर की स्तुति आराधना करते. But they completely forgot their brother. और वो पूरी तरह से अपने भाई को भूल गए. Instead of protecting his brother, उसके भाई की रक्षा करने के बदले, instead of praising him, और उसकी स्तुति करने के बदले, they sold him, उसे ही बेच दिया. Otherwise, in before his father, और उसके पिता के पहले, they killed him against him. तो वो उसे मार भी डाले. Because his father do not know where is his son. क्योंकि उनके पिता को नहीं पता कि वो कहाँ है. And his father thought my son died and finished. पिता को लगा कि मेरे बेटा मर गया है, वो खत्म हो चुका है. Since many years he cried for his son. और फिर बहुत सालों तक अपने बेटे के लिए वो रोया. But God was with Joseph. परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर यूसुफ के साथ था. The word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है. Wherever Joseph was. जहाँ पर भी यूसुफ था, God was with him. परमेश्वर उसके साथ था. Whatever Joseph was doing, जो भी यूसुफ करता, God was prospering him. और परमेश्वर उसे आशीर्वादित करता. No matter he is in the church, कोई बात नहीं कि वो कलीसिया में हो. और he is only praying in his house, और वो घर घर से प्रार्थना करता हो. Even in the house, 41st house. और पोतीपर के घर में भी हो तो भी. बिकॉज दे आर आइडल वर्शिपर. क्योंकि वो मूर्ति पूजा का घर था. गॉड ब्लेस दैट प्लेस ऑल्सो. और परमेश्वर ने उस घर को भी आशीषित किया. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मेरे प्यारे भाई बहनों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत महत्वपूर्ण. इफ यू आर बिलीव जीसस इज लॉर्ड एंड सेवियर, कि यीशु मसीह एक उद्धार करता. वेरेवर वी आर, हम जहाँ कहीं भी हो, वी हैव टू वॉक इन लव. हमें प्यार में चलना है. Because when we walk in love, जब हम प्यार में चलते हैं, that means God is with us. इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है. Wherever we go, जहाँ भी हम जाए, they have to receive joy from us. तो वो हमसे आनंद को प्राप्त करते हैं. When we have started a full-time ministry, जब हमने पूरी समय के सेवकाई को शुरू किया, I started my YouTube channel. और मैंने YouTube channel शुरू किया. And I was asking God what name I can give. तो मैंने पूछा कि परमेश्वर मैं क्या अपने YouTube channel का नाम रखूं? And God gave the name. परमेश्वर ने नाम दिया Walk in Love. पर प्यार में चलो. So I was thinking walk in love or walking in love. तो मैं सोच रही थी कि प्यार में चलो या प्यार से चलो. So again I heard the voice walk in love. तो मैंने फिर से उस शब्द को सुना. Because प्यार में चलो. That word has to speaking to me first. तो वो वचन जो है पहले मुझसे बातें करना चाहिए. You walk in love. पहले तुम चलो प्यार में. Understood? समझ में आया? So that day,
तो उस वक्त से आई अंडरस्टूड, मैं समझ गई, बिफोर आई मिनिस्टर अदर्स, मैं दूसरों की सेवा करने से पहले आई हैव टू नो वॉक इन लव, मुझे पता होना चाहिए कि मैं प्यार में चलूं, बिकॉज वट एवर वी डू, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं, पीपल हैज टू सी लव फ्रॉम अस, पर लोग हमारे अंदर देखना चाहिए उस प्यार को. सो फ्रॉम दैट डे, फिर उस वक्त से वी ट्राइड लेवल बेस्ट, हम बहुत अपने टू वॉक इन लव, हम बहुत कोशिश करते कि प्यार से हम चल सके. हाउ मच वी कैन मेक हैप्पी टू अदर्स, हम कितने लोगों को खुश कर सकते हैं. हाउ मच वी कैन हेल्प अदर्स, हम कितने लोगों को मदद कर सकते हैं. हाउ मच वी आर ट्राइंग टू लेवल बेस्ट टू ब्रिंग सोल्स टू किंगडम, और कितने किस तरीके से हम परमेश्वर के राज्य में हम काम कर सकते हैं. बिकॉज इफ वी रिसीव जीसस इज लॉर्ड एंड सेवियर, क्योंकि हम जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, नेचर ऑफ जीसस इज लव, कि यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो प्यार है. द जॉन 3:16 सेज, जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 कहते हैं, गॉड लव्ड द वर्ल्ड, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. सो नेचर ऑफ गॉड इज लव, तो परमेश्वर का स्वभाव जो है वो प्यार है. गॉड नोज ओनली टू लव, सिर्फ परमेश्वर को प्यार करना पता है. He is only love. वो सिर्फ प्यार ही है. So that is also very important. तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है. Wherever we are, जहाँ कहीं भी हम हैं, we have to learn to love. हमें सीखना है कि हम प्यार करें. Where there is love, जहाँ प्यार है, there is everything. वहाँ सब कुछ है. You no need to run after anything. आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. Now in this world. अब इस दुनिया में there is lack of love, और प्यार की बहुत कमी है. Man is having money, मनुष्य के पास पैसा है, but he don't have love, और उसके पास प्यार नहीं है. If you see in the own houses, अगर आप देखोगे घर में तो everyone is busy with their own mobiles, आप तो सभी लोग अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं. Even they don't have time to talk each other. उनके पास वो एक दूसरे से बात करने का भी समय नहीं होता. In the olden days, पुराने समय में, if there is function in the houses, तो कोई प्रोग्राम घर में होता है तो the family will come and they will honor us, they respect us and they invite us. और जो परिवार के लोग होते हैं वो आदर सम्मान देते हैं, वो बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं. But now in everything in the WhatsApp. पर अभी तो सारी चीजें WhatsApp. The invitation will also come WhatsApp. और जो आमंत्रण है वो भी WhatsApp में आते हैं. There is no respect, there is no love. कोई भी आदर नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई सम्मान नहीं. But when we are who accepted Jesus as Lord and Savior, जब हम कबूल करते हैं कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है, we should walk in love, तो हमें प्यार में चलना है. And everyone, सभी के साथ, not only in the church, सिर्फ कलीसिया में नहीं, even if we go outside, अगर आप बाहर भी जाते हो तो we have to love everyone, तो हमें सबसे प्यार करना But है. But we don't need to become one with them. पर हमें उनके साथ एक नहीं होना है. Many times we think we love means we can go with them, we can do anything with them. हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि हम उनसे प्यार करते तो हम उनके साथ हो ले, उनके साथ. That is not love. पर वो प्यार नहीं है. When we see in the Bible, जब हम बाइबल देखते हैं, when the about Samaritan woman, और सामरी स्त्री के बारे में, when she came to Jesus, जब वो यीशु के पास आई, she came afternoon. वो दोपहर को आई. बिकॉज एट दैट टाइम नो वन इज कमिंग आउटसाइड, क्योंकि उस समय दोपहर के समय कोई बाहर नहीं आता था. एंड जीसस वाज देयर, और यीशु मसीह वहां थे. एंड दैट टाइम, और उस वक्त जीसस वाज आस्किंग वाटर विद दैट समैरिटन वुमन, और यीशु मसीह उस स्त्री से पानी मांग रहे थे. द समैरिटन्स हैड नेवर become one with Jewish people. और सभी लोग ऐसे थे, वो यहूदी लोग से कभी मेल नहीं खाते थे. When this when Jesus was asking water with this woman, जब यीशु मसीह इस स्त्री से पानी मांग रहे थे, that woman told, उस स्त्री ने कहा, I am a Samaritan, मैं सामरी स्त्री हूँ, and you are a Jew, और आप यहूदी हो, how you are asking water from me? आप मुझसे कैसे पानी मांग सकते हो? That time Jesus told, तब उस वक्त यीशु ने कहा, if you would know, अगर तुम्हें पता होता who I am, कि मैं कौन हूँ, and if I give that water if you drink, अब मैं वो पानी दूंगा जो तुम पियोगे, you will never thirst again, तो तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी. And that woman was surprised, और वो स्त्री जो है वो अचंभित हो गई. Because she never satisfied in her life, क्योंकि वो कभी संतुष्ट नहीं थी.
अपने जीवन में. She married 5 men. वो 5 पुरुषों से शादी हुआ. But they were not with her. अपन उनके साथ वो उनके साथ नहीं रहे. And the 6th man she married. और 6वां पुरुष जिनसे शादी हुआ. She is not happy with that man too. और उस पुरुष से भी वो खुश नहीं थे. And that time. उस वक्त जीसस टोल्ड अबाउट हर हिस्ट्री. और यीशु मसीह ने उसका इतिहास बताया. द इमीडिएट शी अंडरस्टूड जीसस वाज प्रॉफिट. तो तुरंत वो समझ गई कि यीशु मसीह वो भविष्यवक्ता है. शी रिसीव्ड दैट पीस. और उसने वो शांति को प्राप्त किया. एंड दैट टाइम. और उस वक्त शी रिसीव्ड द मैन. और उस वक्त उसने प्राप्त किया उस पुरुष को. हु इज रियली गिविंग हर पीस. और जो सच में शांति दे रहा है. सेटिस्फाइड हर थर्स्ट. और जिसने उसकी प्यास बुझाई. द थर्स्ट वाज शी हैड. और जो प्यास उसे था. शी वाज रेस्टलेस. वो शी वाज रेस्टलेस. और वो बिना आराम के थी. शी डोंट हैव पीस इन हर लाइफ. उसके अंदर कोई शांति नहीं था. शी डोंट नो व्हाट टू डू. उसे ये नहीं पता था कि क्या करे. शी नेवर सेटिस्फाइड इन हर लाइफ. वो कभी अपने जीवन से खुश नहीं थी. बट व्हेन शी मेट जीसस. जब वो यीशु मसीह से मिली. हर लाइफ कंप्लीटली चेंज. तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया. द इमीडिएट शी रैन. और तुरंत वो भागी विलेज गांव में. एंड शी टोल्ड ऑल पीपल. और उन्होंने सबसे कहा. आई फाउंड मसीहा. कि मुझे मसीहा मिल गया. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. मेरे प्यारे भाई बहनों. जीसस नेवर. यीशु मसीह कभी भी हेट एनीवन. कभी भी किसी से नफरत नहीं की. लव्ड एवरीवन. वो सभी से प्यार किए. व्हेन वी सी इन द बाइबल. जब हम बाइबल में देखते हैं. व्हेनेवर वी रीड इन द बाइबल. जब भी हम बाइबल में पढ़ते हैं. ही इज विद सिनर्स हाउस. वो पापियों के घर में होते हैं. ही ईटिंग विद सिनर्स. वो पापियों के साथ खाते हैं. सो पीपल आर कॉलिंग ही इज अ फ्रेंड ऑफ सिनर्स. और लोग कहते हैं कि ये पापियों का परमेश्वर है. ही वॉज ईटिंग विद पीपल. क्योंकि वो लोगों के साथ खाता. इज अ ग्लटन मैन. और वो बुरा आदमी है. इज अ ड्रिंकिंग विद पीपल. वो शराब पीता लोगों के साथ. व्हाई जीसस वाज डूइंग दिस. क्यों यीशु मसीह ऐसा करता. जीसस आर फुल ऑफ लव. वो पूरे प्यार से भरा हुआ. फुल ऑफ कंपैशन. और पूरी दया से भरा हुआ. सो ही वाज गिविंग दैट लव टू हिम. और वो प्यार उन्हें देता. बिकॉज दैट लव. क्योंकि वो प्यार. पीपल विल डिलीवर फ्रॉम द एवरी इविल. क्योंकि एक पर लोग जो है वो सारे दुष्ट बातों से छुटकारा पा सके. सो ही नो नीड टू डू एनीथिंग. तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं. थ्रू हिज लव. सिर्फ उसके प्यार के वजह से. पीपल आर चेंज देयर लाइफ. लोग बदल जाते थे. इवन वी सी द जकेयस. यार हम देखते हैं जकेया को. ही इज अ सिनर. वो पापी था. ही वाज टेकिंग सो मच टैक्स फ्रॉम पीपल. वो लोगों से बहुत चुंगी लेता था. पीपल कॉल्ड हिम सिनर. और लोगों ने उसे पापी कहा. बट व्हेन ही मेट जीसस. जब वो यीशु मसीह से मिला. ही चेंज्ड हिज लाइफ. वो अपना जीवन बदल गया. ही गेव एवरीथिंग टू गॉड्स किंगडम. वो सब कुछ अपने परमेश्वर के राज में दे दिया. व्हेन वी हैव लव इनसाइड अस. जब हमारे अंदर प्यार होता है. दैट लव विल वर्क विद अदर्स. तो वो प्यार दूसरों के अंदर काम करेगा. सो इफ वी रिसीव जीसस. जब हम यीशु मसीह को प्राप्त करें. वी हैव टू मेक श्योर. हमें ये निश्चय करना है. वी हैव लव इनसाइड अस. तो वो हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए. विद लव वी हैव टू वर्क विद पीपल. और प्यार के साथ हमें लोगों के साथ काम करना है. वी हैव टू वर्क इन द हाउसेस. और हमारे कामों में भी घर में भी काम करना है. इन द चर्च. और कलीसिया में भी ऐसे काम करना है. हाउ द जोसेफ वाज देयर इन द 41st हाउस. पोतीफर के घर में जैसे यूसुफ था. ही अवॉइड सिन. और वो पाप को नकारा. बिकॉज व्हेन ही वाज इन द 41st हाउस. और क्योंकि वो पोतीफर के घर में 41st वाइफ. पोतीफर की पत्नी. शी मेनी टाइम्स टेम्प्टेड हिम. और बहुत बार उसे परीक्षा में लेकर आया. शी कॉल्ड हिम टू स्लीप विद हर. और उसे सोने के लिए भी बुलाया उसे. बट जोसेफ वॉज रेडी टू गो टू जेल. और यूसुफ जो है जेल जाने तैयार था. बट डोंट हैव रॉन्ग रिलेशनशिप विद हिज वाइफ. पर वो पोतीफर के पत्नी से गलत संबंध रखने तैयार नहीं था. देयर वॉज नो वन विद हिम. कोई भी उसके साथ नहीं था. ही वॉज विद टू मच पेन. और वो बहुत दर्द में था. बिकॉज ही वॉज गो द ब्रदर्स गेव सो मच पेन. क्योंकि उनके भाइयों ने बहुत दर्द दिया. दे सोल्ड हिम देयर. और दे सोल्ड हिम देयर. उन्होंने उसे बेचा. He was away from his loved father. अपने प्यारे पिता से भी दूर था. And he was all alone. वो पूरी तरह से अकेला था. If we are in Joseph's place, अगर हम
यूसुफ के जगह पर होंगे तो वी वुड एंजॉयड विद पोतीफर्स वाइफ, तो पोतीफर की वाइफ से आनंद मना सकते थे, और वी वुड एंजॉयड विद ऑल द रिचनेस ऑन दैट प्लेस, जो भी बातें वहां पर मिली उन सभी चीजों से हम आनंद मना सकते, बिकॉज वी हैड अ रीजन टू टेल गॉड, क्योंकि हमें परमेश्वर के पास कारण था बताने का, गॉड आई लव यू सो मच, परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आई ओबेड माय लाइफ, मैं अपने जीवन में आज्ञा पालन किया, व्हाई यू गिव मी दिस पनिशमेंट, तो क्यों मुझे ये सजा दी, बट द वर्ड नेवर सेज, पर वचन ये नहीं कहता अबाउट हिज एनी कंप्लेंट, कोई भी उसने कोई शिकायत की हो, और अबाउट हिज एनी सिन, और कोई उसके पाप के बारे में, ही इज रेडी टू गो जेल, वो जेल जाने तैयार था, ही रेडी टू डाई, वो मरने तैयार था, बट ही प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ, और वो अपने आप को बचाया, बिकॉज़ गॉड वाज विद हिम, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, टुडे इफ वी आर थिंकिंग, अगर आज हम सोचते हैं, द इमैनुअल गॉड इज विद अस, परमेश्वर इमैनुअल हमारे साथ है, वी हैव टू वॉक विद हिम, तो हमें उसके साथ चलना है, वी हैव टू हेट सिन, हमें पाप को नफरत करना है, we have to escape from sin, हमें पाप से भागना है, we have to avoid sin, हमें पाप को दूर करना है, and we have to walk with Jesus, हमें यीशु के साथ चलना है, we have to walk with love, हमें प्यार में चलना है, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. आइए हम तालियों के दर पर